से मेरे 84 की जनता को धन्यवाद आभार जोहार देना चाहूँगा। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी जो पार्टी है, हमारे ये थावरचंद जासपुर दरियावत से विधायक महोदय हैं, मुझे खुशी इस बात की कि राजस्थान के अंदर हम पहली बार चुनाव से एक महीने पहले पार्टी लॉन्च की और आज राजस्थान के अंदर दो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन राष्ट्रीय पार्टी के बाद तीसरी पार्टी के रूप में हम राजस्थान में उभरे और वहाँ की जनता ने हमें 3 विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। अनुसूचित क्षेत्र की जो डिमांड है, अनुसूचित क्षेत्र की जो समस्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर नेशनल पार्टियों ने लंबे समय से राज किया लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों से वहाँ की जो जनता है वो खपा थी, नाराज थी और उस जनता ने हमें भारी बहुमत से जिता के भेजा है। तो मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बाकी जनता को पूर्ण आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस आशा और उम्मीद से उन्होंने हमें जिता के यहाँ भेजा है और इस आशा और उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और आने वाले समय में हम आज 3 आए हैं और आने वाले समय में हम 3 से 13 आएंगे। ये राजस्थान की जनता को हम आश्वस्त करना चाहेंगे आपके चैनल को। पिछली बार BTP से जीत कर आए थे, इस बार आपने अलग पार्टी बनाई, आपके मुद्दे क्या थे जो ट्राइबल एरिया के आपको दिल? हमारे मुद्दे, हमारी विचारधारा वही थी, सिर्फ बैंडेड चेंज हुआ है क्योंकि उस दौरान जो हमने गुजरात से जो लाए थे एज ए सिंबल के रूप में लेकिन उन लोगों ने थोड़ी मनमानी कर ली, इसलिए हमने राजस्थान की हमारी खुद की पार्टी बना ली है और हमारी खुद की पार्टी से हम लोग 3 विधायक चुन के आए हैं और आप सबको पूरे राजस्थान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। और मेरे साथी विधायक जी उमेश जी आसपुर से हैं और ये हमारे दरियावत से हैं। जनता का उसके बाद यहाँ पे सम्मान किया है और विशेषकर बड़ा अच्छा लगता है जब ये हमारा निखर के निकलता है और कहीं ना कहीं कुछ काम मुझे किसान की जनता राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करता है, कहीं ना कहीं वो मौका मेरे को स्मरण देती है, इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से। आपकी भूमिका होगी इस बार की विधानसभा में, मंत्री बनने जा रहे हैं, सुनाइए। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पूरे मीडिया के भाइयों को आप प्रथम बार दौड़ में विधानसभा में प्रथम सत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से सभी कार्यकर्ताओं आमजन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हम सब मिलके राजस्थान के विकास में प्रगतिशील राजस्थान कैसे हो, राजस्थान का सर्वांगीण विकास कैसे हो, आपसी सामंजस्य भाई भतीजावाद छोड़ करके प्रेम भाव से कैसे राजस्थान आगे बढ़े, ऐसा हम सब मिलके प्रयास करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू की अच्छी जीत हुई, आप सब लोगों को अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए आप सब लोगों को समर्थन दिया है। बीजेपी के साथ वाली बात मैं नहीं करता हूँ, समर्थन दिया है बीजेपी, पूर्ण करना चाहिए उनको। सबसे पहले ये घोषणा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही, इन योजनाओं को हम लागू रखेंगे। शांति धारीवाल के अभाव में अब जनता शक करती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। शांति धारीवाल के नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं? नहीं भाई, मैं नहीं। राजस्थान की विधानसभा में आने का अवसर मुझे मिला है, मेरे क्षेत्र की जनता ने 36 कोम के हमारे वहाँ के लोगों ने मुझे आने का अवसर दिया है। मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विधानसभा में सदन में भेज करके मैं राजस्थान में जो सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की, आज हम विधानसभा में जा रहे हैं, सरकार अच्छा काम करे इसके लिए विपक्ष की जो हमारी भूमिका हो सकती है उसमें सजगता के साथ में राजस्थान के विकास के मसले पर विपक्ष मजबूती के साथ में खड़ा रहेगा और सरकार को सजगता के साथ में ये हमेशा आगाह करता रहेगा कि राजस्थान में मजबूत विपक्ष है, राजस्थान में कानून व्यवस्था अच्छी हो, राजस्थान में सरकार अच्छा काम करे, राजस्थान में नौजवान के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार सोचे।